एप्लीकेशन ऑफ मार्कअ चेन इन लाइफ साइंस लाइफ साइंस में मार्कअ चेन का एप्लीकेशन देखते हैं ये एक वर्ड प्रॉब्लम है अड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफर्स इट एम्प्लॉयज थ्री चॉइस फॉर फॉर हेल्थ केयर एक यूनिवर्सिटी है वो अपने एम्प्लॉज़ को हेल्थ केयर के लिहाज से तीन चॉइसिस देते हैं क्लिनिकल बेस्ड हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक चॉइस है जिसको वो कह रहे हैं एच एम ओ हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अ प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन जिसको पी पी ओ कह रहे हैं एंड अ ट्रेडिशनल फ़ी फॉर सर्विस प्रोग्राम एफ एफ एस और एक ट्रेडिशनल फ़ी फॉर सर्विस प्रोग्राम ये तीन प्रोग्राम्स के नाम हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं एच एम ओ पी पी ओ और एफ एफ एस ईचर द यूनिवर्सिटी डिजिग्नेट्स एंड ओपन एनरोलमेंट पीरियड हर साल यूनिवर्सिटी क्या करती है एक ओपन इंरोलमेंट पीरियड ऑर्गेनाइज़ करती है ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयज़ में चेंज फ्रॉम वन हेल्थ प्लान टू अनदर इस पीरियड के दौरान एम्प्लॉयज़ की मर्जी है कि अगर उसने पहले एक टाइप का हेल्थ प्लान लिया हुआ है तो उससे वो दूसरे टाइप के हेल्थ प्लान पे स्विच कर सकता है पीरियड टू द लास्ट ओपन इनमेंट पीरियड यानी पिछली दफ़ा जो ओपन इनरोलमेंट पीरियड हुआ था उससे पहले का डेटा क्या था 20% परसेंट ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ वर इन इन द एच एम ओ एच एम ओ में ट्वेंटी परसेंट एम्प्लॉयज़ थे ट्वेंटी फाइव परसेंट इन पी पी ओ पी पी ओ में ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड द रिमाइंडर इन एफ एस एस एफ एफ एस जो बाकी बचे वो एफ एफ एस में थे ड्यूरिंग द ओपन इन पीरियड तो जब ओपन इनमेंट पीरियड शुरू हुआ उस से पीरियड का मतलब उससे पहले ये वाला डेटा था तो जब ओपन एनरोलमेंट के दौरान क्या हुआ 15% परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द एच एम ओ स्विच टू द पी पी ओ एच एम ओ में जो एम्प्लॉयज़ थे उसमें से 15% परसेंट ने अपना प्लान स्विच किया पी पी ओ पे एंड फाइव परसेंट स्विच टू द एफ एफ एस और जो फाइव परसेंट है वो एच एम ओ से एफ एफ एस पे स्विच हुए अब है ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ इन पी पी ओ पी पी ओ में जो एम्प्लॉयज़ थे उसमें से ट्वेंटी परसेंट स्विच टू द एच एम ओ वो किधर स्विच कर गए एच एम ओ पे एंड टेन परसेंट टू द एफ एफ एस और उनमें से टेन परसेंट जो है वो एफ एफ एस पे स्विच हो गए एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ इन द एफ एफ एस और एफ एफ एस में मौजूद ट्वेंटी फाइव परसेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्विच कर गए एच एम ओ पे एंड थर्टी परसेंट स्विच टू द पी पी ओ थर्टी परसेंट पी पी ओ पे स्विच कर गए तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है अब हमने क्या फाइन करना है नंबर ए पे हमने फाइन करना है ट्रांजिशन मैट्रिक्स राइट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स नंबर बी पे है परसेंट ऑफ वर इन ईच आफ्टर द लास्ट ओपन एनरोमेंट पीरियड वर्ड परसेंट इम्प्लॉयज्लॉयज का कितना परसेंट इनरोल है हर प्लान में आफ्टर द लास्ट ओपन इनरोमेंट पीरियड जब लास्ट ओपन एनरोलमेंट पीरियड हो गया तो उसके बाद हर प्लान में कितने कितने लोग हैं ये है हमने फाइन करना है सी पार्ट में हमने फाइंड करना है इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज यानी अगर ये जो परसेंटेज है शिफ्ट होने की ये अगर कंटिन्यू रहे वर्ड परसेंट ऑफ ईच प्रोग्राम यानी हर प्रोग्राम में एम्प्लॉयज का क्या परसेंटेज इनरोल्ड होगा आफ्टर द नेक्स्ट इनमेंट पीरियड नेक्स्ट इनमेंट पीरियड के बाद सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं ए पार्ट में हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनानी है तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें क्या बताता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट को या ट्रांजिशन को बताता है तो हम सपोज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए एच एम ओ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एच मजीद शॉर्ट करके इसी तरह से पी पी ओ को हम लिखेंगे पी और एफ एफ एस को हम लिखेंगे एफ ताकि ये मज़ीद आसान हो जाए तो अब हमने देखना है आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं लेकिन इस केस में क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो गलती से बचने के लिए पहले मैं ट्रांजेक्शन डायग्राम बना रही हूँ ट्रांजेक्शन डायग्राम के बगैर भी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स बन सकता है तो ट्रांजेक्शन डायग्राम में तीन स्टेट्स होंगे एक है एच दूसरा स्टेट है पी और तीसरा स्टेट कौन सा है तीसरा है एफ ये तीन स्टेट्स हैं अब हमने इन तीनों में ट्रांजिशन देखना है तो यहां से देखते हैं ट्रांजिशन यहां से आगे बता रहे हैं ड्यूरिंग द ओपन इनरोमेंट पीरियड 15% परसेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द एच एम ओ स्विच टू दीपीओ इन एच एम ओ टू पी पी ओ इसका मतलब एच एम ओ से स्विच कर रहे हैं पी पी ओ की तरफ और इसकी क्या परसेंटेज बताई है 15% परसेंट तो हम इसको 15% परसेंट भी लिख सकते हैं या अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 0.15 पॉइंट वन फाइव एंड फाइव परसेंट स्विच टू द एफ एफ एस और एच एम ओ से फाइव परसेंट एफ एफ एस की तरफ स्विच कर गए हैं फाइव परसेंट है इसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव सॉरी जीरो पॉइंट जीरो फाइव यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में नहीं लिखते सिर्फ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं इसके बाद अब हमने क्या करना है हमने देखना है कि कितने परसेंट लोग उसी सेम हेल्थ प्लान यानी एच एम ओ पे मेंटेन रहे तो वो कैसे फाइंड करेंगे इससे आउट गोइंग एरोज का सम वन होना चाहिए तो हम वन से इन दोनों के सम को माइनस करें तो ये आ जाता है ज़ीरो पॉइंट एट एटी परसेंट आगे देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इन पी पी ओ स्विच टू द एच एम ओ जो पी पी ओ में एम्प्लॉयज थे उसका ट्वेंटी परसेंट स्विच कर गए एच एम ओ पे ट्वेंटी परसेंट यानी कि जीरो पॉइंट टू एंड टेन परसेंट टू द एफ एफ एस और इससे टेन परसेंट जो है वो एफ एफ एस की तरफ शिफ्ट कर गए टेन परसेंट कि जीरो पॉइंट वन तो दोनों का समोटल जीरो पॉइंट थ्री हो गया इसका मतलब जो पी पी ओ पे मेंटेन रहे वो है जीरो पॉइंट सेवन नेक्स्ट कहा है एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ इन एफ एफ एस स्विच टू द एच एम ओ एफ एफ एस से एच एम ओ में कितने परसेंट लोग स्विच कर गए ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि ज़ीरो पॉइंट टू फाइव एंड थर्टी परसेंट स्विच टू द पी ओ और एफ एफ एस से थर्टी परसेंट स्विच कर गए पी पी ओ की तरफ थर्टी परसेंट यानी जीरो पॉइंट थ्री अब एफ से एफ के ऊपर जो मेंटेन रहे वो है इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा जीरो पॉइंट फोर फाइव के बराबर वन से जब माइनस करेंगे सम करके इस डायग्राम की मदद से मैट्रिक्स बनाना आसान हो जाएगा हम यहाँ पे ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं पी इज इक्वल टू हमने क्या रखना है एच पी और ओ और ये हमारा क्या होगा ये फ्रॉम वाला या करंट स्टेट होगा और यहाँ पे भी ऊपर भी हमने सेम इसी तरह लिखना है एच एम ओ थोड़ी ये एच पी ओ होगा अब हमने इस डायग्राम की मदद से देखना है ये क्या है ये करंट स्टेट है इसका मतलब ये फ्रॉम को शो कर रहा है इसी तरह से ये नेक्स्ट स्टेट है इसका मतलब ये टू को शो कर रहा है तो अब हमने देखना है फ्राम एच टू एच फ्रॉम एच टू एच क्या है जीरो पॉइंट एट है इसी तरह नेक्स्ट देखना है फ्रॉम एच टू पी फ्रॉम एच टू पी कितना है ज़ीरो पॉइंट वन फाइव है और नेक्स्ट है फ्रॉम एच टू एफ ये है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव यहाँ पे ओ नहीं है दोनों केसेस में यहाँ पे एच आना था मैंने गलती से ओ लिख दिया है तो यहाँ मैं एच लिख देती हूँ ये भी एच है और यहाँ पे भी एच ही है अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम पी टू एच फ्रॉम पी टू एच कितना है ज़ीरो पॉइंट टू है यहाँ पर आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फ्रॉम पी टू पी पी से पी की तरफ कितना है पी से पी की तरफ जीरो पॉइंट सेवन नेक्स्ट है फ्रॉम पी टू एफ फ्रॉम पी टू एफ है जीरो पॉइंट वन इसके बाद लास्ट है फ्रॉम एफ टू एच एफ से एच की तरफ ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ज़ीरो पॉइंट टू फाइव from एफ टू पी जीरो और from एफ टू एफ है 0.45 इस तरह से ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया हमारे पार्ट ए का सोल्यूशन आ गया पार्ट बी है वर्ड पर्सन ऑफ एम्प्लॉय वर इन इन ईच प्लेन आफ्टर द लास्ट ओपन इनरोलमेंट पीरियड यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद एम्प्लाइज़ की इनमेंट का क्या स्टेटस है तो इसका मतलब आपने एस वन करना है और एस नोट इसके लिए गिवन हुआ गिवन है या नहीं ये हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया था कि लास्ट ओपन इनमेंट से पहले क्या स्टेटस था तो लास्ट ओपन इनमेंट से पहले की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये किस को शो करता है ये एस नोट को शो करता है जगह नहीं है इसलिए एस नोट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो उन्होंने क्या कहा हुआ था ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ वर इनरोल इन एच एम ओ ट्वेंटी परसेंट किस में थे एच एम ओ में यानी जीरो पॉइंट टू और इसी तरह से ट्वेंटी फाइव परसेंट पी पी ओ में थे तो नेक्स्ट एंट्री आएगी जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव एंड द रिमाइंडर इन द एफ एफ एस और जैसे हमें पता है इन एंट्रीज का सम वन के इक्वल होना चाहिए तो इसको सम करके वन में से माइनस करें तो रिमाइंडर आता है जीरो पॉइंट फाइव फाइव तो ये हमारा एस नॉट मैट्रिक्स है जो कि ऑलरेडी गिवन है हमने एस वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूला क्या होगा एस वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि एस के इज इक्वल टू एस नोट इंटू पी पावर के होता है तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है एस एस वन तो इसका मतलब एस वन की वैल्यू क्या होगी एस नोट इंटू पी पावर वन जो कि पी के ही इक्वल है तो ये हम बी पार्ट को अब सॉल्व करने लगे हैं तो इन फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर दें एस वन इज़ इक्वल टू एस नोट को पहले लिख लेते हैं जीरो पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव और जीरो पॉइंट फाइव फाइव यह आपने ध्यान रखना है कि इनका सम हमेशा वन के इक्वल हो तो जब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आएंगे एस वन की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट थ्री फोर सेवन फाइव सेकेंड एंट्री आ जाएगी जीरो पॉइंट थ्री सेवन और थर्ड एंट्री आएगी जीरो पॉइंट टू एट टू फाइव तो ये हमने S1 की वैल्यू फाइंड की अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि वर्ड पर्सन ऑफ एम्प्लॉयज़ वर इनरोल्ड इन ईच प्लेन आफ्टर द लास्ट ओपन इनरोलमेंट पीरियड तो हमने देखना है कि हर प्लेन में एम्प्लॉयज़ का कितना परसेंट इनरोल्ड था अब हम यहाँ परसेंटेज की सूरत में लिखेंगे तो एच एम ओ फर्स्ट शो कर रहा है एच एम ओ को सेकेंड शो कर रहा है पी पी ओ को और थर्ड है एफ एफ एस तो इसका मतलब एच एम ओ में कितने परसेंट है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा थर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इसी तरह से अगर पीपीओ को देखें तो ये आ जाएगा थर्टी सेवन परसेंट और इसको देखें तो ये आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट टू फाइव परसेंट और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन सब को अगर सम करें तो इनका सम आएगा हंड्रेड परसेंट के इक्वल ये हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया अब सी पार्ट देखते हैं इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज वर्ड पर्सन एव एम्प्लॉय विल बी इनरोल्ड इन ईच प्रोग्राम आफ्टर द नेक्स्ट ओपन ओपन इनरोलमेंट पीरियड तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा एस टू होगा तो so अब हमने एस टू की वैल्यू फाइन करनी है सी पार्ट के लिए एस टू की वैल्यू फाइन करनी तो इसके लिए फार्मूला दो तरीके से हम फाइन कर सकते हैं एक तो हम कर सकते हैं एस नॉट इन टू पी पावर टू और दूसरा तरीका हम कर सकते हैं एस टू इज इक्वल टू एस की जगह पे हम एस वन को यूज़ करें और उसको पी से मल्टीप्लाई करें तो ये करना हमें ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि हमने पहले एस वन फाइंड कर लिया है इन केस अगर पहले एस वन फाइंड नहीं किया होता हमारे पास एस वन नहीं होता तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो अभी इस केस में हम ये वाला फार्मूला लेंगे तो एस टू इक्वल आएगा हमने मल्टीप्लाई करना है एस वन को जो कि है जीरो पॉइंट इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास एस टू की वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे ये फर्स्ट रो है फर्स्ट एंट्री है एच सेकेंड है एम सॉरी एच सेकेंड है पी और थर्ड है एफ तो अब इनको परसेंटेज के फॉर्म में हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एच एम ओ में कितने लोग रजिस्टर्ड रहे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 42.2625 परसेंट इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा 39.5875 परसेंट और लास्ट आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सॉरी एटीन पॉइंट वन फाइव परसेंट तो ये हमें नेक्स्ट इंरॉलमेंट की परसेंटेजेस बता रहे हैं इस तरह से हम मार्कअप चेन की मदद से किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं